केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। गठन के बाद से ही ये संगठन विवादों के घेरे में है। इस पर कई संगीन इल्जाम लगे हैं। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा फैलाने के आरोप के बाद इस पर बैन लगाने की मांग उठने लगी। एक संगठन जिसकी शुरुआत केरल से होती है और उसका असर यूपी से लेकर दिल्ली तक नजर आता है, पीएफआई, जिसका फुल फॉर्म है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सीएए के खिलाफ भड़के हिंसा को लेकर विवादों के केंद्र में है। सीएए के खिलाफ देश में हुई हिंसा के पीछे पीएफआई की साजिश बताई जा रही है। आरोप है कि इसके समर्थकों ने लोगों को हिंसा के लिए भड़काया और इसके साथ साथ हिंसा की फंडिंग भी की। साल 2006 से 7 में संगठन का गठन किया गया था। इसके बाद से ये संगठन विवादों में। पीएफआई पर कई संगीन आरोप लगे हैं। इसमें सबसे संगीन आरोप है प्रतिबंधित संगठन सिमी से कनेक्शन का। पीएफआई नेता अब्दुल रहमान और अब्दुल हमीद सिमी के सदस्य रह चुके हैं। देश विरोधी गतिविधि के लिए सिमी पर प्रतिबंध लग चुका है। यूपी पुलिस और सरकार का मानना है कि सिमी का ही रूप है पीएफआई। कि जो घटना हो रही है या जो हो गई है, अब तो नहीं हो रही है, अब होने नहीं देंगे, उस पर पूरी तरह से नियंत्रण है, लेकिन जो हुई है उसमें जो जांच हो रही है, जांच में जो भी दोषी पाए जा रहे हैं, वो सिमी का बदला हुआ रूप पीएफआई है, और पीएफआई के माध्यम से देश विरोधी कोई गतिविधि चलाने का काम करेगा तो उसकी जगह जनता के बीच में नहीं है, जेल के अंदर है, और वह कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हम लोग कर रहे हैं। सिमी से कनेक्शन के अलावा और भी कई गंभीर आरोप हैं पीएफआई पर। जब से पीएफआई वजूद में आया है वो विवादों में ही रहा है। केरल से ऑपरेट करने वाले पीएफआई पर इल्जाम बेहद संगीन है। पीएफआई के कुछ सदस्य के आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए सीरिया तक पहुंचने की खबर आई थी। पीएफआई पर लव जिहाद के भी आरोप लगते रहे हैं। पीएफआई का ही सियासी संगठन है एसडीपीआई, यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। एसडीपीआई पर खुद केरल की सरकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सीए के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन को लेकर पीएफआई को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी के नेता शाहीन बाग जैसे प्रदर्शनों के लिए पीएफआई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुछ पीएफआई जैसे संगठन हैं जो पर्याप्त पर्याप्त विषयों की पैसों की जो जरूरत है उसकी इंतजाम करने वाले पीएफआई जैसे संस्था है, तो जब तक इनको विपक्ष को हम एक्सपोज नहीं करेंगे वहां से ये लोग नहीं हटेंगे। ये काम हम जरूर पार्लियामेंट सदन के सत्र के दौरान कर दिखाएंगे। पीएफआई पर इल्जामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। सिमी की तरह पीएफआई पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन।